अघोरी किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में सोन नदी के किनारे गोतनी गांव में स्थित है, जो कि चोपन से लगभग 8 किलोमीटर और रावतगंज से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। आइए इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। 12वीं शताब्दी, सोनभद्र में बालंद शाह के वंशजों का राज्य स्थापित था। बालंद शाह खरवार वंश सूर्यवंशियों का था। राज्य का विस्तार घुरावल के पास बेलन नदी तक और पूर्व में पलामू, दक्षिण में सिंगरौली और मध्य प्रदेश के सीधी, रेवा और अंबिकापुर तक था। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि राज्य काफ़ी समृद्ध था। 12वीं शताब्दी के अंत तक मदन शाह का शासन था। मदन शाह बालंद शाह के वंशज थे। 12वीं शताब्दी के अंत में वेत्रवती, वर्तमान में वेतवा नदी के तट पर, चौहानों और चंदेलों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध चंदेलों ने बारीमल तथा पारीमल के नेतृत्व में लड़ा और वो इस युद्ध में पराजित भी हुए। जनश्रुतियों के आधार पर बात करें तो बारीमल तथा पारीमल युद्ध क्षेत्र से भागकर खरवार राजा मदन शाह के दरबार में पहुँचे और शरण की मांग की। मदन शाह द्वारा उन्हें नौकरी पर रख लिया गया। घोड़ों हाथियों की देखभाल की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। वर्तमान के बड़हर राज्य के वंशजों का मानना है कि उन्हें अघोरी राज का मंत्री नियुक्त किया गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो अपनी स्थिति को मजबूत करते गए और अपनी विश्वसनीयता स्थापित करते गए। कुछ समय ऐसे बीतने के बाद मदन शाह बीमार पड़े। उनके जो बेटे थे वह युद्ध में भाग लेने के लिए राज्य से बाहर गए हुए थे। मदन शाह ने चंदेल परिमल और बरिमल दोनों को बुलाया और इस बात की सूचना अपने बेटे तक पहुंचाने की मांग की। बाद में बरिमल और परिमल ने मदन शाह के बेटे तक यह सूचना नहीं पहुंचाई और मदन शाह का निधन हो गया। मरने से पहले वो खजाने की चाबी परिमल और बरिमल को सौंप दिए। परिमल और बरिमल को अपना राजा भी घोषित कर दिए। मदन शाह का बेटा अघोरी के लिए लौटा और अघोरी से लगभग 30 मील दूर पांडा नदी के आसपास अपना पड़ाव बनाया। इधर परिमल और बरिमल अघोरी किला के सैनिकों के साथ गए राजा के पुत्र रामा व वहाँ के राजकुमार को चारों तरफ से घेर लिया और उनको वहीं मार डाला। तो उसके बाद से इस किले पे चंदेलों का राज था। तो ये चीज़ साबित हो गई इस कहानी से कि यहाँ पे खरवार और चंदेलों का शासन रहा है। यह किला अपने अंदर अनेक रहस्य समेटे हुए है। किले में एक काली माता का मंदिर भी है। यहाँ के ग्रामीणों का मानना है कि इस किले पर भूत प्रेत का साया है। रात को अजीब आवाज़ सुनाई देना आम बात है। उनका ये भी मानना है कि किले के अंदर खजाना दफन है, जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया है। लेकिन इस किले में कोई खजाना है या नहीं है, इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। अघोरी किला खैरावल वंश और चंदेल वंश राजवंशियों का आवासीय महल था, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। इस किले को आदिवासी किला भी कहते हैं, क्योंकि कुछ समय यहां आदिवासियों के राजा का राज था। यह किला सोन, विजुल, रिहंद नदियों से तीन दिशाओं से घिरा हुआ है, जो कि सुरक्षा के नज़रिए से देखें तो इसे काफ़ी अच्छा बनाता है। यहाँ की एक कहानी और प्रचलित है जो बताती है कि यहाँ का राजा बहुत क्रूर था। कहा जाता है कि जब भी आसपास के इलाके में किसी की शादी होती थी और जब डोली राजमहल के आसपास से गुजरती थी, तो जो राजा था वो दुल्हन को एक रात के लिए अपने महल में रोक लेता था। उसके बाद अगली सुबह उसे फिर से छोड़ देता था। इस समय किले की हालत की बात करें तो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं,
यह किला लगभग एक खंडहर में बदल चुका है और धीरे धीरे और खंडहर बनता जा रहा है। अगर पुरातत्व विभाग इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे तो इस किले को एक पर्यटन स्थल में बदला जा सकता है। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी इसकी खूबसूरती बयां करती है। किले के कुछ भाग अभी भी सही सलामत हैं, लेकिन उनमें काफ़ी अंधेरा है और अंधेरा होने के कारण कुछ अस्पष्ट देख पाना नामुमकिन सा है, और साथ ही वह किले को डरावना भी बनाती है। लोगों का यह भी कहना है कि यह किला 5 मंजिल जमीन से जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, और यहाँ के लोगों का मानना है कि 4 बजे के बाद किले में कोई घूमने ना जाए तो ही अच्छा है। और इस समय जो कि आप देख पा रहे हैं, किला चारों तरफ से टूट गया है। किले में बड़ी बड़ी घासें, खरपतवार, और इसमें इतना ये गंदा हो गया है कि इसमें जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू भी आना आम बात नहीं है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि ग्रामीण बोलते हैं कि 4 बजे से पहले जाके आप अगर किले में घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो कहानी थी अघोरी फोर्ट के किले के बारे में वो आपको अच्छी लगी होगी। और यह मेरा पहला प्रयास है कुछ अलग करने का, क्योंकि कोरोना के वजह से मैं बाहर जाके ब्लॉग शूट कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसकी एवज में मैं ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज करना चाहता हूँ। जैसा आपका इस वीडियो पे प्यार दिखेगा उसी अकॉर्डिंग मैं आगे वीडियोस, जो डॉक्यूमेंट्री की वीडियोस है उसको कंटिन्यू करूँगा। अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगा।